हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट बैक। तो फ्रेंड, आज मेरे पास एक एम्पलीफायर आया है रिपेयरिंग करने के लिए। ये एम्पलीफायर डबल ट्रांसफार्मर वाली एम्पलीफायर है। तो फ्रेंड, इस एम्पलीफायर में जो प्रॉब्लम है ये कि इसका जो आवाज़ है वो सही तरीके से नहीं आ रहा। आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ लोड नहीं ले पा रही है या कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण से ये एम्पलीफायर हमारा ख़राब हो चुका है। तो आज इस वीडियो में आपको रिपेयर करने के लिए दिखाऊँगा। तो फ्रेंड, जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे ही रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है। तो चलिए इस एम्पलीफायर को ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है इस एम्पलीफायर में। इजीली इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकते हैं, और अदर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको सॉल्व करना मेरे बस के पास नहीं है और ना ही आपके बस की बात है। तो चलिए फिलहाल इस एम्पलीफायर में क्या प्रॉब्लम हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस एम्पलीफायर के पीछे में दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। दो ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे कि इस एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर है उसी का ही प्रॉब्लम जल्दी से होता है। तो जब कभी भी इसका यहाँ पे प्रॉब्लम हो, आवाज़ की रुक रुक के आवाज़ आ रहा है या कुछ सनसनाहट की आवाज़ आ रहा है या आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, आपका ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ नहीं रहता लेकिन आपका आवाज़ में प्रॉब्लम आने लगती है। उस टाइम में हम यहाँ पे ये वाले जो ट्रांजिस्टर है हमारा, इसको चेंज करेंगे और देखेंगे। उसके बाद जो आपका ये आवाज़ आपका चेंज हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो फ्रेंड, हमारा जो है इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। ये हमारा न्यू ट्रांजिस्टर है, इसमें जो लगी हुई है उसको चेक करेंगे। तो चलिए मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट करेंगे, तभी जाके आपका ट्रांजिस्टर चेक होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर को चेक कर रहा हूँ ऊपर, और तीनों टंगड़ियाँ एक सिल्वर है बॉडी में। देखिए दोनों आगे पीछे मैंने चेक किया दो पिन में, तो यहाँ 500 के आसपास वैल्यू बता रहा, तो एक ट्रांजिस्टर ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि जब आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों का दोनों ट्रांजिस्टर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे इसमें ये प्रॉब्लम नहीं था, इसमें प्रॉब्लम था कुछ और। तो एक हमारा ठीक है, एक और चेक करेंगे जो कि क्या बता रहा है, उसके बाद आगे मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ तो ये पूरा पूरी सही बता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम है रहता है ही ट्रांजिस्टर का, इसको चेंज कर देंगे, इजीली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैंने दो तीन बार यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ चेक करने का। तो देखिए यहाँ 500 के आसपास वैल्यू बताना चाहिए। डायोड मोड मल्टीमीटर को सेट करेंगे, कोई भी मल्टीमीटर हो डायोड मोड। तो ये वाली ट्रांजिस्टर को भी यहाँ पर चेक कर रहा हूँ फ्रेंड, ये वाला ट्रांजिस्टर भी बता रही है, लेकिन एक जगह पे ये मुझे रॉन्ग बताई। अभी फ्रेंड यहाँ पे कुछ देखिए फ्रेंड, यहाँ 0-0 वैल्यू आ रहा है एक तरफ, एक पॉइंट में 0-0 वैल्यू आ रहा है, मतलब तीन पॉइंट है फ्रेंड। तीनों पॉइंट में आपका वैल्यू एक्चुअली में सही आना चाहिए। जो नया ट्रांजिस्टर में दिखाएगा वो ट्रांजिस्टर में आपका वैल्यू आना चाहिए। तो नया ट्रांजिस्टर अपना एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर को चेंज करना होगा, तो चलिए यहाँ पे इसको खोलेंगे, ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे और इजीली आप इस प्रॉब्लम को यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, ट्रांजिस्टर को चेंज करते हैं। और फ्रेंड, इस एम्पलीफायर में और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता जल्दी से, डिफ़ॉल्ट इस ट्रांजिस्टर का ही प्रॉब्लम होता है। और ये ट्रांजिस्टर अच्छी क्वालिटी का लगा हो तो लास्टिंग अच्छा करता है, नहीं तो फिर ये जल्दी जल्दी ख़राब होने का चांस लगे रहता है। तो चलिए यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर को लगाऊंगा। और कनेक्शन आपका फ्रेंड, जो कनेक्शन जहाँ खोलेंगे वहीं पे कनेक्शन करना, कनेक्शन को गलती नहीं करना। एक बार अपने मोबाइल से अपना फ़ोटो खींच के रख लें, ताकि कनेक्शन में कोई गड़बड़ ना हो। तो चलिए फ्रेंड, इसको लगाएंगे, उसके बाद हम आपको एम्पलीफायर चेक करके दिखाएँगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसको ईजिली लगा लेते हैं। इसमें फ्रेंड हीट सिंक पेस्ट लगा लीजिएगा, वाइट कलर का जो आता थर्मल पेस्ट, तो ये इजीली मार्केट में मिल जाएगा। और माइका लगा रहता है इसमें, माइका को देखते हुए लगाएंगे, क्योंकि नए नए आप लोग रिपेयर कर रहे होंगे तो माइका नहीं लगाओगे तो आपका ये शॉर्ट हो जाएगा, तो आपका प्रॉब्लम करेगा और चालू नहीं होगा। और यहाँ पर ये जो मैंने अभी दिखाया उसको भी लगाना ज़रूरी है। मतलब मेरा कहना है कि जो जो चीज़ आप खोलेंगे वो सारा चीज़ इसके अंदर लगेगा। माइका आपको ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर के साथ बहुत चिपका हुआ रहता है, वो आपको दिखेगा नहीं, तो उसको ध्यान से देख के आपको लगाना। तो मैं यहाँ माइका भी लगाया, बीच में जो भी है सारा चीज़ लगे रहेगा, वो सारा चीज़ को लगाना है आपको।
तो चलिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर सारा चीज़ को लगा लिया है और इसका कनेक्शन करेंगे। अब फ्रेंड हमारा यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड, और चलिए मैं आपको चेक करके दिखाएंगे। गाना तो प्ले करके आपको नहीं दिखा सकते फ्रेंड, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चेक किया, हमारा जो एम्पलीफायर है ये पूरी तरीके से ठीक हो गया, और मैं यहाँ पे सॉन्ग प्ले करके नहीं दिखा सकता फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा ये एम्पलीफायर पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया, तो आप भी इजीली इस एम्पलीफायर को इसी तरीके से इजीली अपना बना सकते हैं फ्रेंड।